सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, परंतु ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। यदि सुबह उठने के बाद आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं, ना कि जी रहे हैं। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता, विचारों को बदलने से भी एक नया दिन होता है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। आज का पंचांग 17 मई 2023 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 10:28 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 7:39 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:15 से 1:55 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 7:39 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। तुला राशि 17 मई 2023 दिन बुधवार। आज का दिन संकेत दे रहा है कि आज आप खूब आनंद उठाएंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि सुबह कुछ समय निकालकर अपने कल के शेष कार्यों को पूरा कर लें। अपने कार्यक्रम की योजना अपने प्रियजनों के कार्यक्रम के अनुसार ही बनाएं ताकि बाद में कोई गलतफहमी या समस्या ना आए। छानबीन और मूल्यांकन का समय बीत चुका है। अगर आप अनसुना या नाकामयाबी महसूस कर रहे हैं तो शांत रहें। आपकी सेहत को नोटिस किया जा रहा है। जहां आपका काम संतुलित है वहीं व्यक्तिगत जीवन जटिल हो सकता है। जो रिश्ते तनाव पैदा कर रहे हैं उन्हें समाप्त करना ही बेहतर है। आप हमेशा सार्थक बातें करती हैं, पर आज कुछ ऐसा करेंगे जो पूरी तरह से नया होगा। सहकर्मी या अन्य साथी आपकी सहायता करेंगे। स्वयं को विभिन्न कामों में ना उलझें। प्राथमिकताओं को सबसे पहले पूरा करें और योजना के अनुसार काम करने का प्रयास करें। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए पूरे जोश से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अपने मनमौजे और जिद्दी स्वभाव को काबू में रखें, खासतौर पर किसी जलसे या पार्टी में, क्योंकि ऐसा ना करने पर वहां का माहौल तनावग्रस्त हो सकता है। आज यदि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझ कर खर्च करें। धन हानि हो सकती है। मनचाहे मेहमानों से शाम को आपका घर भरा रह सकता है। आज आपके प्रिय को आपके अस्थिर रवैये के चलते आपसे तालमेल बिठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र के नजरिए से आज का दिन आपका है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। आज व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे और इस खाली समय में अपने परिवार वालों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर आप और आपका जीवन साथी खाने पीने पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो बुरा असर पड़ सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश के योग हैं। अपना रूटीन सुधारें, घर के बड़े लोगों की सलाह और गाइडेंस पर काम करें। इससे किस्मत का साथ भी मिलेगा, मनोरंजन का प्रोग्राम भी बन सकता है। अगर हालात अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो सही गलत को समझें। जिन बातों में निर्णय लेने के लिए आप कमजोर हैं, ऐसी बातों के लिए वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लें। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय उनके निजी जीवन की चर्चा ना करें। काम के लिए नाराजगी महसूस होगी। फिलहाल आपका ध्यान पैसों पर रहेगा। अपने काम को नजरअंदाज करने की गलती ना करें। पार्टनर के साथ रिश्ता सुखद रहेगा। सिर में भारीपन भी हो सकता है, ध्यान रखें। आज लोगों को उनके विचार प्रकट करने से ना रोकें। अपनी गुणवत्ता में निरंतर बढ़ोतरी के प्रयास जारी रखें। साहित्यकारों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। समय का पूरा सदुपयोग करें और खराब संगत से बचें। युवा वर्ग माता पिता की बातों का पालन करें। सावधानियां, निवेश करने या पैसा उधार लेने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें। अपनी भावनाओं पर काबू रखें।
विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस रहें, अन्य विषयों की भी जानकारी लें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आज आप बहुत भावनात्मक महसूस करेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाएं आपके दिमाग को घेरे रहेगी, इसीलिए फिलहाल अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में कोई भी फैसला करना अभी ठीक नहीं होगा। हालांकि यह समय प्यार और रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप किसी समर्पित संबंध में हैं। जो अकेले हैं वे आज अपने आप को किसी की ओर भी आकर्षित महसूस करेंगी जो उनमें थोड़ी सी भी रुचि दिखाएगा। प्रेम जीवन और रोमांस की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप दोनों की समझदारी और सूझबूझ ही काफी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इस बात पर पूरा विश्वास करें। बॉस और वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे खुश हैं। बस आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप एक जागरूक प्रेमी हैं और आज के दिन कुछ नया करने के लिए उपयुक्त है। आपके दोस्तों और रिश्तेदार भी आपका सहयोग करेंगे। आपके प्रेम में एक नयापन है और आप दोनों अपने रिश्ते को नया रुख देंगे। आप स्वयं अपने रिश्ते को विकसित कर सकते हैं, इसीलिए दुष्टों पर विश्वास ना करें। बात करते हैं करियर की। यह समय सार्वजनिक मामलों से दूर रहकर अपने करियर के विस्तार के बारे में सोचने का है। आपकी सच्चाई और मेहनत का परिणाम व पुरस्कार आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। बड़े निगम या सरकारी एजेंसियों से भी अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आप आज कुछ सार्थक कर रहे हैं और आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। अपने सहकर्मियों के समर्थन के साथ आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। अपनी प्राथमिकताओं का खास ख्याल रखें। याद रखें, सफलता आपके पास चलकर नहीं आती बल्कि आपको उसके पास जाना पड़ता है। आज पेशेवर मामलों में आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति से समर्थन मिल सकता है। उस व्यक्ति के साथ काम करते हुए अपने काम के माध्यम से उसे प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर ना छोड़ें। आप एक पदोन्नति या वेतन वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं। दूसरों से उसके बारे में बात करने से बचें, बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका काम ही आपके बारे में बोलेगा। बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। रुका काम शुरू हो सकता है। कर्मचारी और स्टाफ पूरे मन से काम करें। सरकारी नौकरी पेशा लोग गैर जरूरी कामों में दिलचस्पी ना लें। बात करते हैं सेहत की। ठीक से आराम करें। काम ज्यादा होने से थकान और पैरों में सूजन हो सकती है। आज का दिन कोई नया स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अपने खाने का विशेष ध्यान रखें और आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू करें, जिसके आप हाल फिलहाल अपेक्षा करते आ रहे हैं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना बुरा, अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। नए योग क्लास में हिस्सा लें या दूसरी रिलैक्स करने वाली तकनीक अपनाएं। आपके जीवन में अब इनकी खासी आवश्यकता है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को हरी मूंग का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।